तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हाल ही में ऐलान किया है, लोगों को मिलने जा रहे हैं पैसा, जो मजदूर है, जो बेरोजगार है, उनके लिए जो है बहुत बड़ा ऐलान पीएम मोदी ने किया है। जी दोस्तों, अगर बात की तो कैसे आप जो है अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर पाएंगे कि आपका नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऐलान किया है, जिनमें अगर उज्ज्वला योजना की बात करें या मनरेगा की जो लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है कि लोगों को यहाँ पर पैसा मिलेगा, तो डायरेक्टली आप कैसे जो है अपने मोबाइल से इसको चेक कर सकते हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो अगर आप इस तरह की जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। कैसे जो है अपना नाम, अपना गांव का नाम आप चेक कर पाएंगे कि आप उस लिस्ट में शामिल हैं या नहीं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो किसी भी ब्राउजर के ऊपर आपको लिखना है UPBOCWA, आपको लिखकर इसको जो है यहाँ पर जो है इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के साथ ही आप इस तरह से जो है, तो इस तरह से आपके सामने एक पेज नया ओपन हो जाएगा। इसमें आपका जो है पहला जो आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश भवन, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इसमें आप जो है इस तरह से जो है उत्तर प्रदेश की जानकारी है। अगर आप अन्य राज्य से हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आप किस राज्य से हैं, आपके राज्य की भी इस तरह की जानकारी का एक नया वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप योजनाएं देखें, योजना में सबसे नीचे आना, योजना से लाभान्वित श्रमिकों का यहाँ पर आप सूची देखें तो इस पर आपको ओके कर देना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आप जनपद सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पर जनपद के लिए आप जो भी यहाँ पर जनपद से है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पर अगर बात की तो अगर आप नगर निकाय से हैं तो नगर निकाय, यहाँ पर विकासखंड, तो यहाँ पर हम लेते हैं विकासखंड, तो विकासखंड भी हमने अमेठी ही लिया है। अगर आप जो भी आपका विकासखंड है तो आप वो विकासखंड लें। इसके बाद आप, तो आपने जब भी आवेदन किया होगा, आवेदन पंजीयन कराया होगा, तब आपने जो भी यहाँ पर विकल्प चुना होगा कार्य के रूप में कि आप कौन सा कार्य करते हैं, तो उस कार्य को जो है आप जाकर उसी पर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक आपको करके दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर राजमिस्त्री कार्य लेते हैं, और इतना सब करने के बाद इसको हम कर देते हैं सबमिट। तो उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने जो है पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। जनपद अमेठी, ब्लॉक, नगर निकाय, अमेठी कार्य का प्रकार जो है, राजमिस्त्री का कार्य जो कर रहे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है। आपने जो भी कार्य किया है या करते हैं तो आप उस तरह का जो विकल्प आपने चुना होगा कार्य के रूप में उस पर क्लिक करेंगे, और इस तरह से आपके सामने वो लिस्ट यहाँ पर जारी हो जाएगी। यहाँ अगर आपको यहाँ पर डेट दिखा दें तो डेट आप देख सकते हैं 30/3/2020 के लिए है, और जिन लोगों ने पंजीयन कराया था और अब मनरेगा के थ्रू जो मजदूर हैं उनके लिए सरकार का बड़ा ऐलान है। 1000 रुपये सरकार डालने वाली है और डाल चुकी है। और अगर आपके आप इस तरह से जो है अपनी लिस्ट में नाम चेक कर लें तो आप जो है इसका पैसे जो है निकाल सकते हैं इसके रूप में। अगर आप और भी यहाँ पर डिटेल जानना चाहते हैं तो बी पर आप क्लिक कर दें। तो इस तरह से जो है आप पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ही का नाम है या नहीं। इस तरह से आप जो है पूरी यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ या आप जो भी है आपके सदस्य कितने परिवार के, वो सारी जानकारी आप यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। कुल यहां की जो पंजीकृत संख्या है वो यहां पर 49 है, और यहां पर अगर देखें लास्ट जो अपडेट है 11/10/2019 को यहां पर पंजीकृत हुए हैं। तो इस तरह से जो अपने आप हिसाब से अपने जो भी आपका जनपद पंचायत है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लें। और अगर आप अन्य राज्य से आते हैं और अन्य राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके जो भी राज्य है उसके हिसाब से एक नया वीडियो आपके लिए डाल देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में इन कई बड़ी योजनाओं को लागू किया है और इसका जो लाभ है पूरे भारतवर्ष में मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।